नमस्कार दोस्तों, LSL ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को दिया है उसका मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी इनके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, मैं इन क्वेश्चन में बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो पर चलते हैं। जैसे कि आप हमारी वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं कि चेक योर नॉलेज, बूस्ट योर मार्क्स, LSL आपके साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेजेस। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अ बाइकैमरल सिस्टम। दोस्तों, बाइकैमरल सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, बाइकैमरल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दो हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो दोस्तों, जो हमारा बाइकैमरल सिस्टम है ये हमने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से या ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सेटअप। तो दोस्तों, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा सेटअप किया गया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ये किस मिशन के तहत आई थी? तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड कम इनटू फोर्स ऑन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। दोस्तों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 से ये इनफोर्स में आया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड ऑन। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दिसंबर 9, 1946। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो परमानेंट चेयरमैन था वो किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड। तो दोस्तों, किस अमेंडमेंट के तहत प्रियम्बल को अमेंड किया गया है या किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रियम्बल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं आता है। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रिजन। बात बाकी दोस्तों, जो करेंसी एंड कॉइनेज है या फिर बैंकिंग है या फिर इंश्योरेंस है, ये तीनों ही जो हैं यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द पीपल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड। तो दोस्तों, जो हमारा संविधान है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंगल सिटीजनशिप। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन कैन बी लॉस्ट। तो दोस्तों, हमें इसमें पूछा जा रहा है कि जो सिटीजनशिप है वो कैसे लॉस्ट होती है। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि रिनाउंसिएशन, डिप्रिवेशन और टर्मिनेशन। इन तीनों ही तरीक़ों से जो हमारी सिटीजनशिप है वो लॉस्ट हो सकती है। और दोस्तों, जो हमारी सिटीजनशिप है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में दिया हुआ है और इसके जो रिलेटेड सेक्शन है वो सेक्शन 5 से लेके 11 तक आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट
मॉनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ बेस्ड। तो दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट के सिस्टम से हमने अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लिया है। तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़। तो दोस्तों हमसे जो है इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है। तो दोस्तों हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इन। तो दोस्तों हमारा जो संविधान है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 22 पार्ट्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट इंडिया इज अ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट विच मीन्स। तो दोस्तों सेकुलर वर्ड का मतलब से पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द स्टेट रिगार्ड रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ इट्स सिटीजन एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एम ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो दोस्तों प्रीएम्बल का एम क्या है। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टू सिक्योर सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोक्लेम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकर्रेंट लिस्ट। बाद बाकी दोस्तों जो ऑप्शन आप इसमें देख रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सोशल इकोनॉमिकल एंड पोलिटिकल जस्टिस, ये दोनों ही जो हैं हमारे प्रीएम्बल के अंदर कहा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट इंडिया इज अ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसमें कौन सा है जो कि अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, पहले था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट टू प्रॉपर्टी। दोस्तों अब इसे हटा दिया गया है और इसे एक सिंपल लीगल राइट बना दिया गया है जो कि सेक्शन 300A के अंदर डिफाइन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन वर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंशर्ड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये शुरू से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ना कि इसे किसी अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। हाँ, इसके अंदर चेंजेस ज़रूर किए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर इन रेफरेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट कैन अमेंड सम ऑफ देम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द राइट टू फ्रीडम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं दोस्तों, दोस्तों इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन सिक्योरिटीज। तो दोस्तों इन तीनों ही ग्राउंड पे जो हमारे राइट टू फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फंडामेंटल राइट एनश्योर प्रोटेक्शन ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी रूल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड डिस्क्राइब द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंडियन सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट व्हेन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस किस केसेस में जो हमारी सिटीजनशिप है वो लॉस्ट हो सकती है। ऑप्शन ए, द गवर्नमेंट डिप्राइव अ सिटीजन फॉर सम कॉज। बी, ही एक्वायर अ फॉरेन सिटीजनशिप। ऑप्शन सी, ही रिनाउंस द सिटीजनशिप। तो दोस्तों इन तीनों ही केसेस में जो हमारी सिटीजनशिप है वो लॉस्ट हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन नॉट बी टर्मिनेट। तो दोस्तों वॉर के केस में जो है हमारी सिटीजनशिप है वो लॉस्ट नहीं होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिटेल्ड प्रोविजन रिगार्डिंग द टर्मिनेशन एंड एक्विजिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कंटेंट इन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट एक्ट इन 1955।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिटीजन अक्वायर सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है वो है ऑप्शन डी, मस्ट आइदर रिसाइड इन इंडिया और सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट वन ईयर इमीडिएटली प्रोसीड द डेट ऑफ एप्लीकेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड। तो दोस्तों हमसे इसमें सिंपल पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस कंट्री से लिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूएस से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल राइट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अ सिटीजन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाय अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट विच विल इशू अप्रोप्रिएट रिट अगेंस्ट द कंसर्न अथॉरिटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, हु सेड दिस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केटी शाह। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने की चांसेस हैं, तो आप ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट हैज़ बीन एलैबोरेटेड इन, तो दोस्तों वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पे एलैबोरेट किया गया है? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेंट इन, तो दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाय 42nd अमेंडमेंट। तो दोस्तों 42nd अमेंडमेंट से ही जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसको अमेंड किया गया है और इसमें एक ड्यूटीज़ ऐड की गई है जो कि है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए उनके पेरेंट्स के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल बॉडी कंसिस्टिंग, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ हेड ऑफ, तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ के हेड हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है स्टेट, यानी कि दोस्तों दो होते हैं, एक तो होता है हेड ऑफ द स्टेट, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है और अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू सेंड अ बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। तो दोस्तों प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो एक बार बिल को वापस भेज सकता है कि इसको रिकंसिडर किया जाए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द अथॉरिटी टू प्रोक्लेम इमरजेंसी वर्स्ट इन, तो दोस्तों इमरजेंसी लागू करने की जो पावर है वो किसके हाथ में है? तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द डेट ऑन विच ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस। तो दोस्तों जिस दिन प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करता है वहाँ से स्टार्ट होके आने वाले 5 साल तक जो है इनका टर्म रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉ थ्रू ऑर्डिनेंस, तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू भी लॉ बना सकते हैं, लेकिन कब? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब दोनों ही जो हाउस हैं या कोई भी उनमें से एक हाउस अब्सेंट हो तो उस केस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ बना सकते हैं और ये जो उनकी पावर है ये आर्टिकल 123 के अंदर दी गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ही होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो दोस्तों हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एज कितनी होगी प्रेसिडेंट की। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, देयर इज नो मैक्सिमम एज। दोस्तों हमें मैक्सिमम एज कहीं पर नहीं बताई है, बस मिनिमम एज बताई है और जो मिनिमम एज है वो है आपकी 35 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया अभी इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 35 ईयर्स। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी इन अ कंट्री वेन, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ही इज कन्विंस दैट द सिचुएशन इन द कंट्री डिमांड सो। तो दोस्तों उस केस में क्या होता है, एमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द फॉलोइंग लॉ ऑफिसर होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। तो दोस्तों ये दोनों ही जो हैं अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल ये जो होल्ड करते हैं अपनी ऑफिस को ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट होल्ड करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू, तो दोस्तों DPSP का एम क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रोवाइड अ सोशल एंड इकोनॉमिक बेस फॉर अ जेन्युइन डेमोक्रेसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो दोस्तों जो हमारा DPSP है ये कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आयरिश रिपब्लिक, या फिर दोस्तों आप इसमें अगर इसके यहाँ पे आयरलैंड लिखा होता तो वो भी करेक्ट आंसर होता। तो दोस्तों जो हमारा DPSP है ये हमारे पार्ट 4 में दिया हुआ है और आर्टिकल्स 36 से लेके आपका आर्टिकल 51 तक जो है आपके इसमें DPSP में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी नॉन जस्टिफिएबल। दोस्तों जो ये नॉन जस्टिफिएबल वाला क्लॉज है ये हमारे आर्टिकल 37 के अंदर डिफाइन है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है उसने DPSP के अंदर कुछ प्रोविजंस डाल दिए हैं कि हम ये काम करेंगे और इन केस अगर वो फेल हो जाते हैं उनको करने के लिए तो आप उनके खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, इसी का मतलब होता है नॉन जस्टिफिएबल। बट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों जो आपके फंडामेंटल राइट हैं ये जस्टिफिएबल हैं और जो DPSP है ये नॉन जस्टिफिएबल हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द पर्पस ऑफ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एस्टैब्लिशिंग अ वेलफेयर स्टेट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द DPSP एंड फंडामेंटल राइट इज, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिफिएबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वालिटी, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई द हाइएस्ट ऑफिस बाय क्वालिफिकेशन एंड द राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट गिव द सिटीजन, तो दोस्तों एक कौन सी हमें लिबर्टी प्रोवाइड कराते हैं, तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पॉलिटिकल लिबर्टी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय, तो दोस्तों जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता था लेकिन बाद में उसको अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया और उसको लीगल राइट बना दिया गया है और 300A के अंदर इसको डाल दिया गया है। तो दोस्तों ये किस अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया था, तो ये किया गया था आपके 44th अमेंडमेंट के थ्रू। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो दोस्तों नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को आपके सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें भी जो है आपको बताया जाता है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल आपका 21 ये दोनों कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी हैबियस कॉर्पस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया सिटीजन इज वेस्टेड इन, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी द पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देख लेते हैं, बी में दिया हुआ है दे आर कोस्ट इन लैंग्वेज बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, दे आर हेमेंड इन बाय टू मैनी रिस्ट्रिक्शन,
तो दोस्तों ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट व्हेन? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, देयर इज अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में देखते हैं। विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द नेशनल इमरजेंसी कैन बी रिमेन इन ऑपरेशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनडेफिनेटली टाइम। तो दोस्तों इसको जितने भी समय तक चाहे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि पंजाब में नेशनल इमरजेंसी को 3 बार एक्सटेंड किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो दोस्तों जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट अ जॉइंट सिटिंग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज इलनेस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ? तो दोस्तों इसका कोई जो पीरियड है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। जब तक प्रेसिडेंट ठीक होकर वापस अपनी सीट पे नहीं आ सकते, आ जाते, तब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट उनकी सीट को होल्ड करके रखेंगे। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनडेफिनेट पीरियड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है मेंबर ऑफ द असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल अथॉरिटी इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट जज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द पार्लियामेंट? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 मेंबर्स। और दोस्तों अगर बात की जाए आपकी क्या नाम है राज्यसभा की, तो वहाँ पे 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो टोटल अगर पूछा जाए तो 14, 12 राज्यसभा में, 2 लोकसभा में। अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो सिर्फ 12, और अगर लोकसभा में पूछा जाए तो सिर्फ 2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस? तो दोस्तों प्रेसिडेंट को कब रिमूव किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, व्हेन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीच्ड हिम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड विद इन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 मंथ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर देखते हैं। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। हमसे इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपना टर्म खत्म होने से पहले अगर प्रेसिडेंट रिजाइन देना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको लिखेंगे? तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को लिखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी फाइल्ड एंड सेटल्ड इन? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमंग्स द पर्सन डिस्टिंग्विश्ड इन आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हमसे राज्यसभा की बात की जाए तो 12 मेंबर्स, लोकसभा की बात की जाए 2 मेंबर्स, और अगर टोटल पूछा जाए बोथ हाउस तो 14 मेंबर्स। ठीक दोस्तों आगे चलते हैं। द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर प्रिसाइडेड ओवर बाय? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स आर एलोकेटेड बाय? तो दोस्तों जो पोर्टफोलियो कहो या डिपार्टमेंट कहो बांटे जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो कौन बांटता है? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एज रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको रिकमेंड करेंगे उसको प्रेसिडेंट जो है हटा सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट से। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ? तो दोस्तों जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो क्या है? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू?
तो दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी द पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। व्हेन अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इंड्यूस्ड इनटू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही मस्ट बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन। तो दोस्तों अगर कोई मेंबर है जो कि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है, तो उसको कितने दिन के अंदर जो है इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और मेंबर बनना पड़ेगा किसी भी एक हाउस का। तो दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ। जो दोस्तों इलेक्शन देखते हैं, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज, तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितना है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5 ईयर्स। जो दोस्तों इलेक्शन देखते हैं, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टेम्प्रेरी एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है June 1960। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज टेम्प्रेरी एब्सेंस ही इज एंटाइटल्ड टू। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी द सैलरी एंड अलाउंस अटैच टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द मेंबर ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों इलेक्शन देखते हैं, द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 35 ईयर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज प्रिसाइडेड ओवर बाय, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। चलिए दोस्तों इलेक्शन देखते हैं, द मिनिस्टर इन अ यूनियन कैबिनेट आर अपॉइंटेड बाय, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, या तो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इस क्वेश्चन में हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जा रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर हमसे हेड ऑफ द स्टेट पूछा जाता तो प्रेजिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एज पर द, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, इन केस एनी मिनिस्टर इन डिसएग्रीमेंट विद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हैज़ टू रिजाइन, उसे रिजाइन करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द फॉर्मर मस्ट आइदर रिजाइन फ्रॉम द काउंसिल। जी दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन आल्सो अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट, सच अ पर्सन मस्ट गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विद इन 6 मंथ। जी दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टिल द न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल्दो द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इट इज इनवेरिएबल एक्सरसाइज बाय द, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट इज, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है द प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, इन केस अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट एनी मिनिस्टर, तो दोस्तों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, जनरली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3 डिफरेंट कैटेगरीज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ही डायरेक्टली रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोर्टफोलियो ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर एलोकेटेड बाय, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस अबाउट द कैबिनेट, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द कैबिनेट इज अबव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैबिनेट सिस्टम इज, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीडरशिप ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर।
तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैबिनेट। तो दूसरा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, हु कैन डिसॉल्व द राज्यसभा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। दोस्तों आपको पता होगा कि जो राज्यसभा का अगर हमसे टर्म पूछा जाए तो वो जनरली 6 ईयर होता है, लेकिन उसके जो 1/3 मेंबर हैं वो एवरी 2 ईयर पे जो है रिजाइन देते हैं या फिर चेंज होते रहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर बाय। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट्स ड्यूरेशन इज ऑफ परमानेंट नेचर एज आफ्टर इंडिविजुअल टर्म ऑफ 6 ईयर ईच 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर 2 ईयर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ द सोल पावर टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द मेंबर ऑफ लोकसभा आर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द लोकसभा इन फर्स्ट इंस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 मंथ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस बट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट द लोकसभा एंड द राज्यसभा। दोस्तों जनरली लोगों से अगर पूछा जाता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा बताते हैं, प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्रेसिडेंट भी जो है वो आपके पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा कि कोई भी बिल जब पास करते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में तो दोनों से पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके असेंट के लिए। जब तक प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं देते कोई भी जो लॉ है बिल है वो लॉ नहीं बन पाता है, इसलिए प्रेसिडेंट भी जो है पार्लियामेंट का पार्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द बेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, पार्लियामेंट इज अ। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीट एट एन इंटरवल ऑफ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, नॉट मोर देन 6 मंथ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 545। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट और चेंज द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट इज वेस्टेड इन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो नए स्टेट बना सकती है और पुराने स्टेट की जो बाउंड्री है उसको एडिट कर सकती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम एज टू गेट इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 30 ईयर्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ लोकसभा अनलेस ही अटेन द एज ऑफ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 25 ईयर्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों जॉइंट सेशन कब बुलाया जाता है। दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस। चलो दोस्तों देखते हैं, इफ एनी ऑफ द हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ ऑन अ बिल रिमिट बाय द अदर्स, इफ द अमेंडमेंट टू अ बिल प्रपोज्ड बाय वन हाउस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द अदर हाउस, इफ अ बिल पास्ड बाय द वन हाउस इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। तो दोस्तों इन तीनों ही कंडीशन में जो है जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कोरम ऑफ पार्लियामेंट इज फिक्स्ड एट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1/10 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज विद इन विच द राज्यसभा हैज़ टू रिटर्न बैक अ बिल टू द लोकसभा आफ्टर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस इज। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 10 डेज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लोकसभा एंड राज्यसभा सिट जॉइंटली व्हेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अ बिल इज सेंड टू द सिलेक्टेड कमिटी आफ्टर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं,
इफ द प्रेजिडेंट थिंक दैट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैज नॉट बीन एडवोकेटली रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा ही में नॉमिनेट. तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, नॉट मोर देन टू मेंबर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द मिनिमम एज फॉर कास्टिंग वोट इन इंडिया इज, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 18 ईयर्स. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. हु प्रेसाइडेड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है द स्पीकर ऑफ लोकसभा. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. हु सर्टिफाइड दैट वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है द स्पीकर ऑफ लोकसभा. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. अ मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओनली इन लोकसभा. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द राज्यसभा एक्सक्लूसिवली इंजॉय द पावर, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द मेंबर ऑफ न्यूमरस कम्युनिटी ऑफ अ पार्लियामेंट आर, दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आइदर अपॉइंटेड बाय द स्पीकर और इलेक्टेड बाय द हाउस. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ पार्लियामेंट, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द डिसीजन ऑन डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन बाय, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट इन कंसल्ट विद द इलेक्शन कमीशन. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. विच लेजिस्लेटिव बॉडी इज प्रिसाइडेड ओवर बाय अ नॉन मेंबर, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द कमिटी विच हैज सम एसोसिएट मेंबर फ्रॉम राज्यसभा इज, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द पब्लिक अकाउंट कमेटी. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द एक्सक्लूसिवली लेजिस्लेटिव पावर विद रिगार्ड टू द डिफेंस फोर्स एंड वॉर एंड पीस इज वेस्टेड इन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी पार्लियामेंट. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्लियामेंट. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द पावर टू वोट द डिमांड फॉर ग्रांट प्रेजेंट बाय द गवर्नमेंट इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द राइट टू पास अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है लोकसभा. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेजिडेंट वैन, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अ रिक्वेस्ट फॉर देयर रिमूवल इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस अडॉप्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. इन राज्यसभा द स्टेट आर रिप्रेजेंटेड, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं. द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं. द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट. चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं. द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा आर, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है द मैन ऑफ लर्निंग एंड वाइड एक्सपीरियंस सच एज आर्टिस्ट साइंटिस्ट एंड सोशल वर्कर्स. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द राज्यसभा. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं. ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा इंजॉय द टर्म ऑफ, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 6 ईयर. चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं. वेन अ न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड बाई सेपरेटिंग अ टेरेटरी फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया यूनियन, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द पेरेंट स्टेट गिव अप्रूवल टू द प्रेसिडेंट एंड आफ्टर दैट द पार्लियामेंट पास अ बिल बाय सिंपल मेजोरिटी इन दिस रिगार्ड. चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं. द पावर टू प्रमोगलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन गिवन टू, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट. चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइजेस टू मेजर प्रिविलेज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन कौन सी, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन. चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं. द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजॉय द फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट बट दिस प्रिविलेज इज नॉट अवेलेबल टू द मेंबर इन, तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्रिमिनल केसेस. चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं. द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी हैज द लार्जेस्ट मेंबरशिप, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है एस्टिमेट कमेटी. चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं. द पार्लियामेंट्री कमेटी कंसर्न विद द रेगुलरिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द पब्लिक अकाउंट कमेटी. चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं.
द पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन अ स्टेट लिस्ट व्हेन, तो उसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं दोस्तों, पहला द राज्यसभा पास अ रेजोल्यूशन दैट सच सब्जेक्ट आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, द प्रोक्लेमनेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन फोर्स, टू और मोर स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट टू पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट। तो दोस्तों इन तीनों ही कंडीशन में जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्टेन बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट बिकेम अ लॉ व्हेन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट गिव हिज कंसेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द पावर ऑफ अपर हाउस आर लिमिटेड इन मैटर ऑफ फाइनेंस इफ द लेजिस्लेचर हैपन टू बी, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी बाइकैमरल। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगेन विद, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द फर्स्ट आइटम ऑफ बिजनेस इज, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है द क्वेश्चन आवर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर द स्टार्ट क्वेश्चन आर, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी द क्वेश्चन विच आर आंसर्ड बाय द मिनिस्टर ओरली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो द एडजर्नमेंट मोशन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है बी कैन ब्रिंग एन अर्जेंट मैटर विच ब्रुक नो डिले फॉर डिस्कशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द मेंबर ऑफ द अपोजिशन कैन क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी इज रिप्रेजेंट इन द राज्यसभा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिफर ओवर अ बिल एंड अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड वेयर डिसीजन इज टेकन बाय मेजोरिटी वोट इन केस ऑफ टाई हाउ इज द सेम रिजॉल्व, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन मेक यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट। तो दोस्तों इसमें हमें बताया गया है कि जब दो हाउस के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं किसी बिल पे तो जो हमारा स्पीकर है वो अपना वोट कास्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एनी गवर्नमेंट इज डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ राज्यसभा तो क्या होगा, पार्लियामेंट इज डिसॉल्व, द प्राइम मिनिस्टर सबमिट हिज रिजिग्नेशन, प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड। तो दोस्तों इनमें से कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं होगी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नथिंग हैपन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट आर समन्ड बाय, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर और अ मिनिस्टर गोज थ्रू, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थ्री रीडिंग्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रेजेंट द यूनियन बजट इन लोकसभा, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है द यूनियन फाइनेंस कमीशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में डिक्लेयर अ सीट वैकेंट, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इफ अ मेंबर इज एबसेंट फॉर 60 डेज विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन अ मनी बिल एंड अ फाइनेंस बिल इज दैट, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अ फाइनेंस बिल कैन बी रिजेक्टेड बाय राज्यसभा वेयर एज मनी बिल कैन नॉट बी रिजेक्टेड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट इज दैट द, दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट इज अ विंग ऑफ अ पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, अ सेलेक्ट और जॉइंट कमेटी कैन बी अपॉइंटेड बाय, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड पार्लियामेंट्री बिकॉज, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पब्लिक अकाउंट कमिटी कंप्राइजेज ऑफ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 22 मेंबर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एस्टिमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 30 मेंबर्स इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट हैज़ द डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर व्हेन, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल इज दैट, दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अवॉइड द रिस्क ऑफ पीपल बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द रीगेनिंग गवर्नमेंट एरिस्टोक्रेसी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड टू द सिटीजन अंडर फंडामेंटल राइट इज, दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू हेल्प द माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर कल्चर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द वोट ऑन अकाउंट इज पास्ड बाय द लोकसभा टू, दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मीट द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड टिल द बजट इज पास्ड। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द भारत रत्न एंड पद्मश्री अवार्ड हैव बीन कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट अंडर, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंडर आर्टिकल 18। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द माइंड एंड आइडल ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रीएम्बल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a standing joint committee of both the House of the Parliament? तो दूसरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एस्टिमेट कमेटी। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वोट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द इलेक्शन ऑफ अ प्रेजिडेंट इज डिटरमाइंड बाई डिवाइडिंग द, दूसरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पर्टिकुलर स्टेट पॉपुलेशन एज पर द लेटेस्ट सेंसिस बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम दैट स्टेट। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who preside over the Lok Sabha if neither the Speaker nor the Deputy Speaker is available? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, a member for the panel of a chairman announced by the Speaker. चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। The greatest disadvantage of the parliament form of government in India is that, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, in practical term the executive control the parliament instead of parliament controlling the executives. चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल अथॉरिटी टू एक्सपाउंड द मीनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट पॉसिबल इफ वन और मोर स्टेट असेंबल स्टैंड डिजोल्व, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, येस। जी दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। वेन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कास्ट हिज वोट विदाउट रिगार्ड टू द पार्टी एफिलिएशन इट इज कॉल्ड, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्री वोटिंग। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ऑटोनॉमी मीन्स, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, द पावर टू मैनेज इंटरनल मैटर्स। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम इंडिया एज अ सेकुलर नेशन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द प्रीएम्बल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द कंपिटेंट अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप इज, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इट हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट एंड दैट इज प्रेजिडेंट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज यूज इन द इलेक्शन ऑफ, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी एनमोलमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द प्रेजिडेंट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्रेजिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर द वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट टू प्रोड्यूस अ पर्सन सफरिंग, तो दोस्तों सफरिंग डिटेंशन इज कॉल्ड, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हैबियस कॉर्पस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्पावर्ड टू वोट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन सुप्रीमेसी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बाय 42nd अमेंडमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been given more power in the division of power under the constitution? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द सेंटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951 वॉज रिलेटेड टू, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म लेजिस्लेशन इन सर्टेन स्टेट्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। द कमिटी ऑन प्रिविलेज ऑफ लोकसभा इज नॉमिनेटेड बाय, दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन वोटिंग इन पार्लियामेंट द सिंपल मेजोरिटी इज इनफ टू अमेंड, तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC/ST, प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप,
क्रिएशन एंड आइसोलेशन ऑफ अ स्टेट। तो दोस्तों इन तीनों ही कंडीशन में जो है आपकी सिंपल मेजोरिटी ही सफिशेंट होती है। चलिए दोस्तों लोकेशन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी पार्ट 21। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द गवर्नमेंट डज नॉट इन्फोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ अ सिटीजन अप्रोच। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। क्यों? जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 37 है वो ये कहता है कि जो हमारे DPSP हैं ये नॉन जस्टिफिएबल हैं, इनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजिडेंट इन्जॉय द डिस्क्रिशनरी पावर विद रिगार्ड टू। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इम्पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल इन अ स्टेट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आफ्टर स्टेइंग फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5 ईयर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन डिस्कस इन द। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रीएम्बल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1976। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ वोटिंग द एब्सोल्यूट मेजोरिटी मीन्स। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2/3 ऑफ द वोट्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड अवर नेशनल फ्लैग ऑन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी July 22, 1947। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवर नेशनल एंथम हैज़ बीन रिटन बाय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फंडामेंटल राइट विच प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट हु एक्ट एज द प्रेजिडेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स द कोर्ट्स कैन इशू। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेट्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन अ स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अंडर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 356। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द डिटेन्ड पर्सन इज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट आस्क फॉर द रीजन फॉर हिज डिटेंशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्विजेस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स अंडर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 21A। दोस्तों जो आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है ये संविधान में 3 जगह पे कही गई है। पहला आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो कि 21A के अंदर दिया हुआ है। दूसरा आपका DPSP के अंदर जो कि आर्टिकल 45 में दिया हुआ है। तीसरा आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जो कि 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया है 11th नंबर पर उसमें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21A। चलिए दोस्तों लक्ष्य में चलते हैं। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड बाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पार्लियामेंट द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजिडेंशियल एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टर्म्ड एज रिजिड बिकॉज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैन बी अमेंडेड ओनली विद द जॉइंट कंसेंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लिस्ट विच कंटेन द सब्जेक्ट ओवर विच द सेंटर एंड स्टेट बोथ हैव ज्यूरिडिक्शन इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कंकरेंट लिस्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर एनुमरेटेड इन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनियन लिस्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो फार एज द फाइनेंस मैटर आर कंसर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेड अ डिस्ट्रीब्यूशन फेवरेबल टू द सेंटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजिडेंट रेफर अ मैटर टू अ सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन वेन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेन द मैटर इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेड नथिंग अबाउट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अडल्ट एजुकेशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंटरेस्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओनली विद द कंसेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द पावर टू रूल ओवर द कंट्री इज वेस्टेड इन अ फ्यू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज अ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपेलेट ज्यूरिडिक्शन, ये तीनों ही जो ज्यूरिडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट हु इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेस्टेड इन द। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवर नेशनल सॉन्ग्स वंदे मातरम हैज़ बीन रिटन बाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अशोक पिल्लर एट सारनाथ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टू वर्ड्स एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट आर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्पीकर लोकसभा इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू गिव रूलिंग ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज्ड इन पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लोकसभा इज सुपीरियर टू राज्यसभा बिकॉज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये रीजंस हमें बताए गए हैं कि कैसे लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ऊपर है। तो दोस्तों देखते हैं। पहला, इट इज़ द हाउस ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। सेकंड, इट्स कंट्रोल द फाइनेंस मैटर। सी, दो अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इट कैन आउट द गवर्नमेंट। तो दोस्तों तीनों ही जो पावर हैं लोकसभा के पास हैं, राज्यसभा के पास नहीं है, इसलिए लोकसभा जो है वो सुपीरियर होता है राज्यसभा से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल पावर ऑफ प्रेजिडेंट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ही कैन डिसमिस द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अ चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लाइफ ऑफ द एस्टिमेट कमेटी ऑफ द लोकसभा इज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 ईयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्रिटिश मोनार्क। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बेसिक कंडीशन इम्पोज ऑन द सिटीजन राइट टू असेंबल इज दैट द असेंबली शुड बी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पीसफुल एंड अनआर्म्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ट्राइड टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी इन तीनों ही तरीकों से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जज जो है वो इंश्योर करता है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी कंडीशन है देख लेते हैं। पहला, डिबार्डिंग जज फ्रॉम कैरिंग ऑन प्रैक्टिस बिफोर एनी कोर्ट इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट। सेकेंड, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज वेरी डिफिकल्ट। एंड लास्ट वन,
चार्जिंग देयर सैलरी एंड अलाउंस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये तीन रीज़न की हेल्प से ही, या तीन चीज़ों की हेल्प से ही जो जज है उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर किया जाता है। चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 65 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच इम्प्लाई दैट, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑल इट्स डिसीजन हैव एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर इज, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, द गार्जियन ऑफ द लिबर्टीज एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू रिव्यू लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर एंड डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दे कन्वेंसेस एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय सुप्रीम कोर्ट अर्लियर इज वेस्टेड इन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट places a restriction on, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राइट टू फ्रीडम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7 जजेस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चेक कर लेते हैं। मैटर रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, तो दोस्तों तीनों ही जो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के तहत आते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिट इशू टू कोर्ट कॉरपोरेशन और अ पर्सन इंजॉइंग टू डू इट्स पब्लिक ड्यूटी इज, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिट ऑफ मैंडमस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 30 जजेस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस द चीफ एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जुडिशियल रिव्यू मींस, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड द पावर इंजॉय बाय एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बियॉन्ड द पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट होल्ड इट्स मीटिंग एट न्यू दिल्ली बट इट कैन मीट एल्सवेयर, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस वॉज कनेक्टेड विद द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1980 दैट द अमेंडमेंट मेड टू आर्टिकल 31 सब क्लोज सी एंड आर्टिकल 368 आर इनवैलिड, तो दोस्तों किस केस में कहा गया है, दोस्तों ये कहा गया है केशवानंद भारती केस में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज अडॉप्टेड, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टू एंश्योर पावर वर्किंग ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट टेंडर एडवाइस टू द प्रेजिडेंट ऑन एनी लीगल मैटर्स, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली इफ ही सीक सच एडवाइस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। द एपिलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कवर्स, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द केसेस इन्वॉल्विंग एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉल विद इन द, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नर जनरली बिलोंग टू, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सम अदर स्टेट्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द प्रेजिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, प्रेजिडेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कैन अ पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट? तो दोस्तों सर करेक्ट आंसर है यस, ऑप्शन बी। जो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द जुडिशियल अपॉइंटमेंट ब्लो दोज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट ETC इन इज अ स्टेट आर मेड बाय। तो दोस्तों सर करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट इज, दोस्तों सर करेक्ट आंसर है बी द गवर्नर। द गवर्नर होल्ड ऑफिस, दोस्तों सर करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। फिर दोस्तों लोकेशन देखते हैं, द गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस, दोस्तों सर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओनली ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए दोस्तों लोकेशन देखते हैं, फॉर बींग अ गवर्नर अ पर्सन मस्ट हैव कम्प्लीटेड, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 35 ईयर ऑफ एज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इफ द गवर्नर विशेज टू रिजाइन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ही हैज टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों आपने पहले देखा था कि जब प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है, और जब वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी द कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर If it falls vacant due to the death or resignation of the governor is discharged by, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट द प्रेजिडेंट एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंट कंसल्ट, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नर कैन रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ प्रेजिडेंट रूल इन द स्टेट, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एट हिज डिस्क्रिशन। ठीक है दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट डिसेंबल क्लोजली विद, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी द गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन अ स्टेट द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी द गवर्नर। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद प्रायर कंसेंट बाय, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी द गवर्नर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ स्टेट अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस थ्रू, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एडजॉर्नमेंट मोशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 60 and 500। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज, दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट कैन बी एबोलिश बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट आर डिटरमाइंड बाय, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी द स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 years। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 1/3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड द स्टेट इन टू, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 4 categories। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेन अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज रिजर्व बाय द गवर्नर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ही हैज टू सेंड इट टू द प्रेजिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन नेवर डिस्कस, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी द कंडक्ट ऑफ एनी हाई कोर्ट जजेस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेजिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रीजनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन स्पेसिफाइड इन द, तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी शेड्यूल 8। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विच इंडियन स्टेट हैज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अकॉर्डेड टू जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म ऑफ, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एन अश्योरेंस गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इट्स एसेशन। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर इम्प्लाई दैट द स्टेट हैज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इन टू फोर्स ऑन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, January 26, 1957। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु वॉज इनिशली नोन एज सरदार रियासत वॉज रीडिजिग्नेटेड एज गवर्नर इन, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1965। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ओनली ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट ऑल द टाइम्स, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द इलेक्शन कमिश्नर कमीशन। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द ग्रांट इन एड आर गिवन टू स्टेट फोर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कवरिंग गैप ऑन रेवेन्यू अकाउंट सो दैट द स्टेट कैन अंडरटेक वेरियस बेनिफिशियल एक्टिविटीज। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द पर्पस अपॉइंटिंग द सरकारिया कमीशन वॉज, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर रीसेटलमेंट बिल वॉज एसोसिएटेड विद द, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रीसेटलमेंट ऑफ मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन टू प्रोटेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बाय रिजर्विंग सीट फॉर देम इन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों देख लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सर्विस और लेजिस्लेचर, तो दोस्तों ये सारे ही जो हैं इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एवरी 5 ईयर। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 4 अदर मेंबर्स। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। हाउ मैनी फाइनेंस कमीशन हैव बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट सो फार, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 14। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 10। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वालिफिकेशन फॉर द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन आर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटली द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 8 मेंबर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एनवेजेस 3 टाइप्स ऑफ, तो दोस्तों इसका जो सर्विसेज विच आर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेंबर ऑफ यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर और टिल दे अटेन एज ऑफ 65 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी असाइंड एडिशनल ड्यूटीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, द पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ द जोनल काउंसिल वॉज टू एंश्योर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ग्रेटर कॉरपोरेशन अमंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग एंड मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ जोनल काउंसिल वॉज मेड अंडर द, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स सो पार्लियामेंट इवन विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों आप जानते होंगे जो अटॉर्नी जनरल है उनको किसी भी कोर्ट में या किसी भी मतलब पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जाने का पूरा पूरा हक है, बस वो वोट नहीं कास्ट कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों द स्टेटस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज दैट ऑफ,
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फंक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कमीशन डू नॉट इंक्लूड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, यानी कि दोस्तों जितने भी ऊपर दिए हुए हैं सारे के सारे जो हैं उसमें इंक्लूड हैं। तो दोस्तों एक बार इनको देख लेते हैं, लुकिंग इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिप्रिवेशन ऑफ वेलफेयर मेजर्स ऑफ माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग माइनॉरिटीज, ऑप्शन सी मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर द इफेक्टिव इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड एंड लॉ फॉर माइनॉरिटीज। तो दोस्तों ये तीनों ही जो कंडीशन है ये इंक्लूड है उसमें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल कैग इज अपॉइंटेड बाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट एज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल होल्ड्स ऑफिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन अप्रूव द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो करंट आंसर है वो है ऑप्शन ए द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बेरूबारी केस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पंचायती राज इज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो दोस्तों देख लीजिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड फॉर द फंड मेनली ऑन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गवर्नमेंट फाइनेंस। तो दोस्तों यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो क्वेश्चन है अप्रॉक्स 350 क्वेश्चन हैं ये फिनिश हो चुके हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। चलिए दोस्तों धन्यवाद।